स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स और यू कैन से रिएक्शन काइनेटिक्स ये साइंस की वो ब्रांच है या आप कह लें केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि एक रिएक्शन उसकी स्पीड क्या है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है टूवर्ड्स कंप्लीशन तो so स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं कुछ फास्ट होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने रस्टिंग ऑफ आयरन है ये आपके सामने ट्रेन है जिसको जंग लगा हुआ है अब एक जो बिल्कुल सही हालत में ट्रेन वो इस फॉर्म में कुछ सेकेंड्स में नहीं पहुंच सकती कुछ घंटों में नहीं पहुंचेगी इसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा बहुत स्लो प्रोसेस है ठीक है कई महीनों बाद ट्रेन की ये कंडीशन होगी यानी रस्टिंग ऑफ आयरिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स अगर हम आ, बर्निंग ऑफ पेपर उसको देखें तो आप देखेंगे कुछ मिनट्स में या आपके लिए कुछ सेकंड्स में बहुत कम टाइम में जो पेपर है वो बर्न हो जाता है ठीक है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब है कि एक तरफ हमारे पास वो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा स्लो है और दूसरी तरफ वो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा फास्ट है अब स्टूडेंट्स हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्यों कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और क्यों कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स हमें कोलिजन थ्योरी देती है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करें कोलाइड करने का क्या क्राइटेरिया है कि एक ख़ास एनर्जी के साथ कोलाइड करें और स्पेसिफिक डायरेक्शन में ठीक है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइन होनी चाहिए और खास डायरेक्शन में जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इसे हम फिर क्या कहते हैं दैट इज इफेक्टिव कुलय इस इफेक्टिव कुलइन के नतीजे में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स अगर एक रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेयस ज्यादा होंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा वो तेजी के साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगर एक रिएक्शन के दौरान जो है इफेक्टिव कुलय कम होंगी तो वो क्या होगा आ, उसका रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी स्लो होगी तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर हमें पता चल जाए कि एक रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लेय पर यूनिट टाइम टाइम इंटरवल एक खास टाइम इंटरवल के दरमियान नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलयस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कितनी थी तो हम बता सकते हैं कि आ, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा वो फास्ट होगा या स्लो होगा लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कुलयस ये पार्टिकुलर लेवल पर मेजरमेंट आ जाती है इसको मेजर करना इतना आसान नहीं होता तो स्टूडेंट हम वो पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे जिसे हम आसानी के साथ मयर कर सकें और हम बता सकें कि एक रिएक्शन का रेट क्या है स्लो है फास्ट है या मॉडरेट है तो स्टूडेंट्स वो पैरामीटर हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन मयर कर लेते हैं डेल्टा सी किसको किस कर रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट्स की क्या अमाउंट थी और बाद में टाइम गुजरने के साथ साथ कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है कितनी कम हो रही है और कितनी तेजी के साथ कम हो रही है उसके मुताबिक हम बता सकेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या है स्लो है या फास्ट है यानी चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर टाइम इंटरवल तो कंसेंट्रेशन को मयिर करना हमारे लिए आसान होगा इसलिए इस पैरामीटर को हम सेलेक्ट करते हुए एक रिएक्शन का रेट मालूम करते हैं तो स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को फिर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन लिखते हैं इसकी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यानी हम रिएक्टेंट्स uh, के लिहाज से भी रेट को डिस्कस कर सकते हैं कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग टाइम इंटरवल क्या थी या प्रोडक्ट्स की चेंज इन कंसेंट्रेशन किस तरह से हो रही है दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट uh, या प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज यानी कितना कितने टाइम में इनकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई इसको हम क्या कहेंगे इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन अगर इस डेफिनेशन से स्टूडेंट्स मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी रेट ऑफ रिएक्शन ज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी ठीक है आप इसे डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं ओवर डेल्टा टी डिडेड बाई टाइम टेकन फॉर दट चेंज डेल्टा सी किस को डिनेट करा है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफस्टांस सबस्टांस इसमें वर्ड इसलिए यूज करें कि रिएक्टेंट भी रख सकते हैं और प्रोडक्ट को भी लेकर आप ये चेंज मयर कर सकते हैं ओवर टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इसे टाइम इंटरवल भी आप कह सकते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला से अगर हम रेट की यूनिट डिटरमिन करना चाहें कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है मोलारिटी ठीक है तो इस तरह से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यूनिट्स लिखना चाह रहे हैं मोलारिटी मोल पर डीएम क्यूब ये यूनिट होता है ओवर टाइम सेकेंड्स ठीक है तो ये एक यूनिट हमारे पास आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे रिएक्टेंट्स गैसेस हो, तो फिर हम क्या कंसेंट्रेशन uh, का यूनिट जो है वो मिलिटी नहीं इस्तेमाल कर सकते हम पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू एटमोस्फेयर दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ओवर सेकेंड तो एटमोसफेयर पर सेकेंड ये सेकेंड यूनिट आ जाएगा ये किस चीज के लिए है जब आपके पास रिएक्टेंट जो है वो गैसेस हो ठीक है स्टूडेंट्स फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं जिससे हम बता सकें कि कौन से रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रहे हैं और कौन से रिएक्शन जो है स्लो हो रहे हैं ठीक है अगर हम सबसे पहले फास्ट रिएक्शन लिखना चाहें तो हमारे पास आता है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लें एक्वा सोल्यूशन लें और उसके अंदर अगर आप एनएसीएल डालें तो स्टूडेंट्स आप देखें जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में एनएसीएल डाला तो उसी वक्त आपके पास सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपटेट अपियर हो गए रिएक्शन इज वेरी फास्ट विद इन नो टाइम सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपटेट हमारे पास अपीयर हो गए हैं इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन इज वेरी फास्ट एनएनो थ्री ठीक है ये सॉलिड फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए हैं रिएक्शन इज फास्ट ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगी हमारे पास सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल आएगी एस्टर हाइड्रोलसिस ठीक है एस्टर दैट इज सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव ये क्या है डाइथाइल एस्टर है ठीक है एस्टर में बेसिकली क्या फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ठीक है दैट इज आर एस्टर ठीक है एस्टर की हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे एक्सेस अमाउंट में वॉटर लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रिस्पेक्टिव एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और साथ में अल्कोहल बन जाएगी ठीक है इस तरह से तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगता है ठीक है यानी आप कह लेंगे कुछ मिनट्स बाद ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है तो आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन uh, का जो रेट है वो मॉडरेट है ना ज्यादा स्लो है ना बहुत ज्यादा फास्ट है इसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर हम एक और एग्जाम्पल मॉडरेट की रेट uh, की देखना चाहें दैट इज फूड डाइजेशन यानी खाना हजम होने के लिए भी हमें दो तीन घंटे चाहिए होते हैं ना जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें दो तीन घंटे या आप कह लें सॉरी दो तीन तीन चार घंटे बाद आपको दोबारा भूख लगती है क्योंकि तीन चार घंटे में फूड के ऊपर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं ठीक है तो फूड डाइजेशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं फूड डाइजेशन इज इसमें थ्री टू फोर आवर्स लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में तो ये एग्जाम्पल हमारे पास मॉडरेट रेट की हो सकती है ठीक है थर्ड एग्जाम्पल हम वेरी स्लो रिएक्शन उसकी देखते हैं दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन स्टार्ट में हमने देखा था ठीक है आयरन को जंग लगने में काफी वक्त लगता है ये स्लो प्रोसेस है तो स्टूडेंट्स आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने प्रॉपरली डिफाइन किया फिर उसका फॉर्मूला मेंशन किया फिर यूनिट्स मेंशन किए और लास्ट में तीनों टाइप्स के रिएक्शन की एग्जांपल्स दी फास्ट मॉडरेट और वेरी स्लो ठीक है स्टूडेंट्स अब फर्दर ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स किस तरह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है इस कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमने एक रिएक्शन कंसिडर करे हैं जिसके अंदर ए रिएक्टेंट जो है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है और हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ साथ कैसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ठीक है स्टूडेंट्स ग्राफ हम प्लॉट करेंगे कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ठीक है इसके दरमियान यानी वाई एक्सिस पे हमने ली है कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पे लिया है हमने टाइम ठीक है इस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन क्या होगी जीरो और यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे कंसेंट्रेशन हाई है ठीक है और इसी तरह से टाइम में यहां जीरो टाइम है और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मौजूद है ठीक है कंसेंट्रेशन हम ले रहे हैं मुलैरिटी में और टाइम सेकंड्स में ठीक है अब ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बीकर के अंदर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो आप देखें कि अभी यहाँ पर रिएक्टेंट जो है उनकी कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है ठीक है तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन का पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है दिस वन ये मैक्सिमम कंसेंट्रेशन का पॉइंट है ठीक है अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आप क्या चेंज देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं, वो तेजी के साथ कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स तेजी के साथ बनते जा रहे हैं ठीक है तो अब ग्राफ में क्या चेंज आएगा क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं तो रिएक्टेंट्स ये इस तरह से इनकी लाइन नीचे जाती जा रही है जो बता रही है कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो रही है और प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो रहे हैं प्रोडक्ट्स को स्टूडेंट्स मैं ये ब्लू लाइन से शो करूंगी क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है इस तरह से ठीक है इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे फर्दर टाइम गुजरा तो प्रोडक्ट्स अब रिएक्टेंट से ज्यादा हो गए ठीक है जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज्यादा हो गए तो ये ग्राफ फर्दर रिएक्टेंट के उससे ऊपर चला जाएगा और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मजीद कम हो गई है तो रिएक्टेंट वाला जो ये ये स्लोप है मज़ीद नीचे की तरफ आती जाएगी और वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है अब स्टूडेंट्स हमने अपनी ग्राफ की इस कर्व को स्टडी करना है रेड कर्व किसको शो कर रही है रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन को रिएक्टेंट्स को और ये हमारे प्रोडक्ट्स इसको शो करी है प्रोडक्ट हमारे पास बी है रिएक्टेंट हमारे पास ए थे ठीक है अब स्टूडेंट्स मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूंगी और उस पर डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ठीक है स्टूडेंट्स मैं रेंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करती हूं दिस वन अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पे रिएक्टेंस की कंसेंट्रेशन क्या होगी अब आप देखें कंसेंट्रेशन के लिए हम यहां पर देखेंगे और टाइम के लिए इसको नीचे एक्सटेंड कर देंगे ठीक है तो हमने देखा जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था अभी बहुत कम टाइम गुजरा तो रिएक्टेंट्स कितनी तेजी के साथ डिक्रीज हो गए आप यहाँ सामने पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ रिएक्टेंट्स क्योंकि ज्यादा अमाउंट में थे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी आपस में इफेक्टिवली क्लाइड हुए और तेजी के साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए इसीलिए ये जो स्लोप है ये तेजी के साथ डिक्रीज हो रही है ठीक है कर्व आप देखें ये काफी ज्यादा तेजी के साथ नीचे से आ रहा है इसका मतलब रिएक्टेंट जो है तेजी के साथ बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में कम हो रहे हैं और इसके रिस्पेक्टिवली अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करें प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स की कंडीशन क्या होगी इसी टाइम पे ये सेम टाइम प्रोडक्ट्स के लिए भी हम देखना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन देखें जीरो से इंक्रीज कर दी ठीक है तो प्रोडक्ट्स इस पॉइंट पे सेम टाइम इंटरवल पे प्रोडक्ट्स बढ़ गए और रिएक्टेंट्स तेजी के साथ कम हो गए ठीक है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जब रिएक्शन uh, स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट्स तेजी के साथ कम होते गए और प्रोडक्ट्स तेजी के साथ बढ़ते गए लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स इतनी तेजी के साथ उनकी अमाउंट जो है वो कम नहीं हो रही और प्रोडक्ट्स भी इतनी तेजी के साथ मजीद नहीं बन रहे उसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स की अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें ग्राफ के इस पॉइंट को अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा कंसेंट्रेशन देखते हैं इस तरह से प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन क्या होगी मैक्सिमम होगी है और टाइम काफी गुजर चुका है ठीक है अब इसी पॉइंट पे इसी टाइम पर अगर हम रिएक्टेंट्स को देखना चाहें कि रिएक्टेंट्स के साथ क्या हो रहा है तो रिएक्टेंट्स की स्टूडेंट्स आप देखें रिएक्टेंट्स बहुत कम रह गए हैं जीरो के करीब आ गए हैं ठीक है ठीके? वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो गई है जिसकी वजह से अब इफेक्टिव कुलयिन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही ही, तो प्रोडक्ट्स भी कम बनेंगे ठीक है हमने देखा था स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इफेक्टिव कुलय या नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलयिन ज्यादा थी और तेजी के साथ प्रोडक्ट्स बन रहे थे लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन या टाइम गुजरता जा रहा है तो रिएक्टेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही ठीक है स्टूडेंट्स अगर ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होगा तो फिर एक वक्त आएगा कि ये जो लाइन है ये जीरो पॉइंट पे आकर टच कर जाएगी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो आप देख सकते हैं ये आ, ग्राफ होगा अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा दोनों लाइंस जो हैं वो आप कह लें कि रिएक्टेंट की लाइन जो है वो, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी ठीक है यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होगी ये केस होगा अगर रिएक्शन क्या होगा रिवर्सिबल होगा तो इ रिवर्सिबल रिएक्शन हमने यहां पर कंसिडर किया है इस वजह से ये हमारी जो लाइन है एक टाइम पे जाके एक्सिस के साथ टच कर देगी और रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ग्राफ से हमने क्या चीजें इंटरप्रेट की है दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए और प्रोडक्ट्स बी इज मच मोर एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन के शुरू में चेंज इन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तेजी के साथ रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली यानी ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है ठीक है ये पहली बात हमने देखी दूसरी बात हमने देखी रेट डिक्रीजेज यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रेट कम होता जा रहा है ठीक है और तीसरी बात रेट ऑफ रिएक्शन विल नेवर रिमेन सेम ट इज चेंजिंग एवरी मूवमेंट एवरी मूवमेंट इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तो इस ड्यूरेशन में आप हर सिंगल पॉइंट पे अगर रेट की वैल्यू चेक करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को मयर करना चाहेंगे तो हर टाइम यानी आप कह लें हर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो चेंज होगा ठीक है वो एक जैसा नहीं रहता जैसे स्टूडेंट्स वक्त है वो हर लम्हे बदल रहा है ठीक है एक जैसा तो नहीं रहता अभी जिस लम्हे में हम जी रहे हैं जो आने वाला लम्हा वो उससे क्या होगा मुख्तलिफ होगा तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी हर लम्हे बदलता रहता है ठीक है वो एक जैसा नहीं रहता स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन रेट की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है रिएक्टेंट्स की हो या प्रोडक्ट्स की हो लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है चेंज इन कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से रेट की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ठीक है तो स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं अगर हम रिएक्टेंट्स को कंसिडर करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन मैं करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे रिएक्टेंट्स हमारे क्या है ए है डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इस जब आप चेंज इन कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसिडर करके रेट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू किस में आती है नेगेटिव में आती है क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन डिक्रीज हो रही है लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स को कंसिडर करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना चाहेंगे दैट इज डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वैल्यू सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डिक्रीज होती है अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती ठीक है ये सिर्फ कंसेंट्रेशन को शो करिए अगर हम रिएक्टेंट्स को लेकर रेट मयर भी करते हैं तो हम उसके साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर इसकी टाइप्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरह से मयर करते हैं एक एवरेज रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ठीक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स आप दो स्पेसिफिक पॉइंट्स रेड मार्कर यूज कर लेते हैं एक ये पॉइंट अगर मैं लूं और दूसरा ये पॉइंट लूं, ठीक है इस टाइम इंटरवल में ठीक है ये जो मेरे पास पूरा टाइम इंटरवल आएगा इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन चेंज हुई है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की आ, आपके लिए कर्व पे मार्क किए थे तो इसलिए मैं प्रोडक्ट की बात करूंगी इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आया है उसको आप क्या कहेंगे दैट इज द एवरेज रेट तो हम एवरेज रेट को किस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स क्या हो सकती है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स भी आप लिख सकते हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ठीक है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल या आप कह लें कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आया है इसको हम क्या कहते हैं एवरेज रेट कहते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा जब स्टूडेंट्स आप इंस्टेंटेनियसली एक इंस्टेंट में कंसेंट्रेशन चेंज देखेंगे ठीक है इंस्टेंट क्या होता है एक लम्हा लम्हा मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा कम होगा बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम इंटरवल को हम क्या कहेंगे दैट इज एन इंस्टेंट ठीक है तो शॉर्ट टाइम इं टाइम इंटरवल में जब आप कंसेंट्रेशन चेंज मैयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट डी इज डी स्टैंड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ठीक है यानी वेरी स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ठीक है तो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में यानी अगर हमारा जो रिएक्शन है वो मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है तो आप फ्यू सेकंड्स का टाइम इंटरवल लेकर कंसंट्रेशन चेंज को मयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा ठीक है स्टूडेंट्स एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एवरेज रेट की वैल्यू हमारे पास कम आती है एज कंपेरिजन टू इंस्टेंटेनियस रेट क्योंकि हर इंस्टेंट पे जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हर इंस्टेंट पे रेट सॉरी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन तेजी के साथ बदल रही होती है आप देख सकते हैं ये जो कर्फ हमें शो करवा रही है कि हर इंस्टेंट पे तेजी के साथ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन के स्टार्ट में इसकी वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपेरिजन टू एंड ऑफ द रिएक्शन ठीक है एट द एंड इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू कम होगी रिएक्शन के स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू ज्यादा होगी एवरेज रेट की वैल्यू रिएक्शन के एंड पे ज्यादा होगी क्यों क्योंकि फिर हम स्टार्ट और एंड का टाइम टाइम इंटरवल में कंसेंट्रेशन मयर करेंगे तो वो वैल्यू तो हमारे पास ज्यादा होगी ठीक है और एवरेज uh, रेट जब आप स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज रेट की वैल्यू कम आएगी आइए एक रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डाटा लेकर देखते हैं कि जो हमने बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम उसको कैसे हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट विद बी और ए बी प्रोडक्ट बनता है यहां पर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट हम रेट कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा क्या वाकई रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये जीरो टाइम है कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स uh, की टू मोलर है ठीक है और प्रोडक्ट्स अभी कोई नहीं बना ठीक है सेकंड 10 सेकंड्स के बाद कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होगी और प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी अब यहां पर अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज रेट को कैलकुलेट करें जीरो से 10 सेकंड्स के درمیان हम एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज रेट हमारे पास क्या आएगा आर एवरेज रेट है चेंज इन कंसेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या आई है 1.25 माइनस इनिशियल 2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल फाइनल 10 सेकंड्स माइनस इनिशियल 0 ठीक है तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस -0.075 दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा था कि माइनस हम नहीं लगाते ठीक है क्योंकि रेट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती ठीक है नेगेटिव साइन सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने रिएक्टेंट्स को कंसिडर करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं ठीक है अब इसी तरह से स्टूडेंट हम किसी और दो पॉइंट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करें तो फिर वैल्यू क्या आएगी अब काफी टाइम गुजर चुका है फोर्टी सेकेंड्स हो चुके हैं तो फिर हम देखना चाहते हैं कि रेट वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू स्पोर्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू अब हमारे पास क्या है दैट इज पॉइंट सॉरी फाइनल वैल्यू पॉइंट टू फाइव है माइनस इनिशियल वैल्यू पॉइंट फाइव ओवर टाइम इंटरवल फाइनल फोर्टी माइनस थर्टी ठीक है तो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ठीक है अगेन स्टूडेंट्स माइनस हम कंसिडर नहीं करेंगे तो आ, हम इस कैलकुलेशन से क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट में ज्यादा होता है और एट द एंड ये देखिए नियर एंड हो रहा है ना रिएक्टेंट्स की कंसन बहुत कम रहेगी रिएक्शन एंड होने वाला है तो रेट की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई है तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि रेट डिक्रीजेस विद टाइम ये इस कैलकुलेशन से हमने जस्टिफाई कर ली आइए स्टूडेंट्स अब हम इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ठीक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है एवरेज रेट ठीक है तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हम इनकी डेफिनेशन का ही लिखेंगे The change in concentration at any instant during the interval is called instantaneous rate or is K. सामने एवरेज रेट की डेफिनेशन लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स इज कॉल्ड एवरेज रेट ठीक है तो इंस्टेंटेनियस रेट को उसका एक्सप्रेशन हम किस तरह से मेंशन करते हैं सेकेंड पॉइंट हम वो लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट क्योंकि ये एक इंस्टेंट पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम मयर करते हैं तो वेरी स्मॉल कंसेंट्रेशन के लिए हम डीएक्स वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ठीक है एवरेज रेट को हम कैसे लिखेंगे एवरेज रेट that will be equal to change in concentration between two specific points and time interval for that change take okay? last point students at start of reaction instantaneous rate value of instant rate is high, higher than एवरेज रेट यह भी हमने बात डिस्कस की थी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू एवरेज रेट और एवरेज के रेट के केस में क्या होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट की वैल्यू क्या होती ज्यादा होती है एवरेज रेट दैट इज हाई और कंपैरिजन टू इंस्टेंटेनियस रेट उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगी कम होती है ठीक है उसकी वजह भी देख लें कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू भी आपके पास कम आएगी ठीक है स्टूडेंट्स याद रहे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट एक पॉइंट पे आकर इक्वल हो सकते हैं जब इंस्टेंटेनियस रेट में जो टाइम इंटरवल है वो जीरो हो जाए ठीक है तो उस पॉइंट पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दे बिकम इक्वल स्टूडेंट्स ये बात होगी डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट अब इस टॉपिक के लिहाज से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक है रेट ऑफ़ रिएक्शन एवर चेंजिंग पैरामीटर वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या वाकई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हर लम्हे बदलता जाता है तो स्टूडेंट इसका आंसर हम लॉ ऑफ मैस एक्शन से दे सकते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या हमें बताता है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ठीक है और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा तो स्टार्ट में हमने देखा था कि रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हर लम्हे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जा रहा है क्योंकि हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन बदलती जा रही है तो एट द एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहां पर खत्म करते हैं होप सो स्टूडेंट्स आपको रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज